नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन में, जिसमें मिलती रहती है आर्मी भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर। और आज मैं करवाने वाला हूँ भरतपुर धौलपुर करौली आर्मी पेपर, जो GDE का पेपर है वो करवाने वाला हूँ, जो 24 नवंबर 2019 यानी अभी ताज़ा ही जो पेपर हुआ है वो करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप भी मिला सके कि आपने क्वेश्चन कितने सही किए, और जो भी आगामी भर्ती का पेपर देने वाले आर्मी का वो भी भाई ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैंने काफ़ी मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं प्रत्येक आर्मी के पेपर में। तो ये आपको ध्यान देना, ये वीडियो पूरा देखना है। ये क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया है सुरेंद्र जाट ने, तो थैंक यू भाई सुरेंद्र जाट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत से हमें भरतपुर धौलपुर करौली आर्मी भर्ती का पेपर प्रोवाइड किया है। इसमें मैं GK और साइंस के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप भी कभी क्वेश्चन पेपर भेजना चाहे, कभी पेपर लगे आपका और कोई है आपके पास जैसे ट्रेड का अलग कोई पेपर है, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं, आपका नाम भी वीडियो में ले जाएगा। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, क्या क्वेश्चन आया था, फेसबुक का निर्माता कौन है। दोस्तों आप इसका उत्तर अपने दिमाग में सोचिए क्या होगा, फेसबुक का निर्माता कौन है। तो फेसबुक का निर्माता की बात करें या बात करें फेसबुक की शुरुआत या कंपनी किसकी है, तो यह जुकेनबर्ग की, किसकी है, ये जुकेनबर्ग की है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, MS हुसैन किस से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया था MS हुसैन किस से संबंधित है, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, चित्रकारी से संबंधित है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल मैंने कई बार पीछे भी करवा चुका हूँ, यदि आप आर्मी की तैयारी करिए तो आर्मी के अलग पेपर की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप पीछे के पेपर देख लो, उनसे कम GK और साइंस के 20 क्वेश्चन से ऊपर आने का मैं दावा करता हूँ आपके गारंटी के साथ। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो पीछे की वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने दानापुर भर्ती का पेपर भी अपलोड कर दिया और काफ़ी सारे अपलोड कर दिए हैं, जो चॉइस को लगा था क्लर्क का भी मैंने अपलोड कर दिया गया है, जो नागपुर भर्ती का जो रिलेशन भर्ती का पेपर था वो भी अपलोड कर दिया। तो आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है आरबी प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से, वहां जाकर देख सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन का जवाब आप सोचिए, इस क्वेश्चन का जवाब होगा मीरा कुमार, क्या होगा, मीरा कुमार, ठीक है, ये महिला है, कुमार लगा है लेकिन है महिला, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है। शुष्क बर्फ का सूत्र आप सबको पता ही है क्या होता है, शुष्क बर्फ होता है, यानी आप दिमाग में एक बार सोचिए इसका जवाब क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको, अब यह होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, नमक का सूत्र क्या होता है। तो नमक का सूत्र तो आप सबको पता ही है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड को ही नमक कहते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है जल्दी से। तो इसका सही जवाब आप सोचिए अपने दिमाग में, जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, आप सबको पता भी होगा। मेन तौर पे देखिए तो यहाँ तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आसवन, निस्तारण और वाष्पन। वैसे देखिए तो जल का शुद्धिकरण तीनों विधियों के द्वारा ही किया जा सकता है, उपरोक्त सभी भी कर सकते हो, और वैसे मेन तौर पे देखिए तो आसवन विधि आपका सही रहेगा, ठीक है। तो यदि बात करें तो वाष्पन विधि के द्वारा भी जल का शुद्धिकरण होता है, इसे देना था सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, लेकिन निस्तारण के द्वारा भी आपको पता है रेत या मिट्टी के कण होते हैं उनको मतलब निस्तारण के द्वारा अलग किया जा सकता है, या वाष्पन विधि के द्वारा यदि नमक मिला हो और कुछ हो तो वाष्पन विधि के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। तो आसवन विधि आपको एकदम करेक्ट करना था, उपरोक्त सभी भी वैसे सही मान लिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सभी विधियाँ है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीवी का आविष्कार किसने किया था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, टीवी का आविष्कार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब सोचिए आप, टीवी का आविष्कार किसने किया था। तो आप सबको पता ही होगा टीवी का आविष्कार किया था जे एल हेयर्ड ने किया था, टीवी का आविष्कार किसने किया था, जे एल हेयर्ड, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन है, भिलाई किस से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जवाब भी आप सोचिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भिलाई किस से संबंधित है, भिलाई इस बात से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक आप सबको पता ही है क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। अगला है राज्यसभा, अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि दिख जाए, राज्यसभा का राष्ट्रपति राज्यपति कौन होता है, राज्यसभा का राज्यपति कौन होता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी से अपने दिमाग में सोचिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दिलीप ट्रॉफी किस से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी किस से संबंधित है? इस क्वेश्चन का जवाब भी आप अपने दिमाग में सोचिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्रिकेट। क्या होगा? क्रिकेट होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन, इसका जवाब आप जल्दी से अपने दिमाग में सोचिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है वाशिंगटन में। कहाँ है? वाशिंगटन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये तो आपको पता ही है, रिकेटस हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस हो जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्ती का मात्रक क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कैंडल है जो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये तो मैंने कई बार बता दी, यकृत है। क्या है? यकृत है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से दांत पीले हो जाते हैं या कहे खट्टे हो जाते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हम भी देख पाए कि आपने वीडियो पूरा देखा है या नहीं देखा। जिन भाइयों ने वीडियो पूरा देखा उनको थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहे हो, यदि आप पेपर भेजना चाहे तो इन पर भेज सकते हो। और आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।